टीवी के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 14 साल पूरे होने पर 14 अनसुनी बातों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सोनी सब पर प्रसारित होने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा साल 2008 में शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक ये शो दर्शकों के सामने में कभी फेल नहीं हुआ। जेठालाल से लेकर बबीता जी तक सभी किरदारों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, कौन है तारक मेहता? क्या आप जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लेखक कौन है और ये शो कहाँ से आधारित है? तो ये शो गुजरात के मशहूर लेखक तारक मेहता के कॉलम उंधा चश्मा पर आधारित है, जिसे बाद में किताब के रूप में छापा गया था और फिर शो बनाने पर इसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा रखा गया। फैक्ट नंबर 2, जेठालाल को मिला था बापू जी का रोल। जी हाँ, जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी को पहले बापू जी का रोल मिला था, हालांकि बाद में इस रोल को अमित भट्ट को दे दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, जेठालाल से उम्र में छोटे हैं बापू जी। जी हाँ, शो में बापू जी का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट की उम्र अपने बेटे यानी जेठालाल से भी छोटी है। नंबर 4, जेठालाल की पत्नी दयाबेन और साला सुंदर असली भाई बहन। शो में भाई बहन का रोल निभाने वाले दयाबेन उर्फ दिशा वखानी और सुंदर यानी मयूर वखानी असल में भी भाई बहन है। नंबर 5, लिम्का बुक के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये शो शामिल है। लंबे समय से टीवी शो पर राज करने वाला ये शो लिम्का बुक में तो अपनी जगह बना ही चुका था, लेकिन अब ये शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाने जा रहा है। शो ने 3000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। फैक्ट नंबर 6, गोकुलधाम सोसाइटी की असलियत। गोकुलधाम सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखने में भले ही असली लगता होगा, लेकिन वास्तव में ये फिल्म सिटी में बनाया गया एक डमी है। फैक्ट नंबर 7, जेठालाल के रूम से किचन तक कोई रास्ता नहीं है। एक फैमिली शो होने के नाते कई बार रूम और किचन का जिक्र किया जाता है, लेकिन वास्तव में शो में कोई किचन और रूम है ही नहीं। सीन के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जाता है। और बाकी के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल